थैंक यू थैंक यू कनाल एंड वैभव भी एक बार प्लीज अभी चेक करिए अभी वॉइस ठीक होगा तो स्टूडेंट्स वेलकम टू बैंक बी चैनल ऑफ आई एग्जाम बी मेरा नाम है करण सरदाना एसबीआई की तरफ से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी एसबीआई ने हाल फिलहाल में ही अभी क्लर्कल का नोटिफिकेशन निकाला था उससे पहले पीओ निकाला था अभी तीसरा नोटिफिकेशन आ गया है सीबीओ यानी कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर बहुत सारे बच्चों को यह मालूम ही नहीं होता है कि ये होता है सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर तो ये रिक्रूटमेंट एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट बैंक का एक और नोटिफिकेशन आया है आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो वैकेंसी होती है इसकी एलिजिबिलिटी में एक्सपीरियंस मांगा जाता है दिस इज नॉट द जॉब फॉर फ्रेशर्स पर ह्यूज वैकेंसी है जो लोग फ्रेशर्स नहीं है उनके लिए ये काम की चीज है तो सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करें सीबीओ की जो अप्लाई करने की डेट है वो कहां से शुरू है तो ट्वेंटी सेकेंड नवंबर से 12 दिसंबर तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं आज 21 है तो कल से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे 22 नवंबर को एक और एक और न्यूज है स्टूडेंट साथ के साथ एस का पीओ का प्री का रिजल्ट आ चुका है अभी आया है साइट पे हो सकता है अभी ना दिखे थोड़ी <coughs> थोड़ी देर में दिख जाए बिकॉज साइट क्रैश हो गई है सो अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं तुरंत तो बताइए अपना रिजल्ट चेक करके अगर आपने एस बी प्री का एग्जाम दिया था अभी जाके देखिए रिजल्ट क्या है सो एस बी आई का रिजल्ट भी साथ साथ आउट हो गया है मैं यहाँ पे आपको लिंक दे देता हूं अगर आपका लिंक यहाँ पे खुल रहा है तो आप उसे भी जरूर देखें जिन बच्चों ने पेपर दिया था अभी मुझे यहीं पे सेशन में बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा एस बी आई पीओपी का चलिए बात करते हैं इस नए नोटिफिकेशन के बारे में सर्कल बेस्ड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आ गया है दिस जॉब इज नॉट फॉर फ्रेशर्स किसके लिए है आइए एलिजिबिलिटी बात करेंगे सो आप अप्लाई कब से कर सकते हैं बाईस नवंबर के लिए

और पीओ में हालांकि वैकेंसी उतनी ही रही 2000 लेकिन क्लर्क में ज्यादा वैकेंसी निकाली पिछली बार और अब यह है सर्कल बेस्ड ऑफिसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है अगर बात करें हर एक सर्कल बेस्ड बैंक में जो है सर्कल होते हैं तो सर्कल बेस्ड यहाँ पे आपको जॉब दिखेगी हर सर्कल में आप देख सकते हैं जो अहमदाबाद वाला है फिर उसके अंदर स्टेट होते हैं लैंग्वेज के हिसाब से तो आप देख सकते हैं पहला जो आपका अहमदाबाद वाला है उसमें वैकेंसी है टोटल आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं पे अमरावती में फोर हंड्रेड वैकेंसी है बेंगलोर में थ्री एटी है हर एक सर्कल बेस्ड आपको जॉब मिलेगी यहाँ पे कितनी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो चंडीगढ़ के अंदर थ्री है 450 मुझे एक बड़ा नंबर दिख रहा है भोपाल वाले के अंदर और कहां पे बड़ा दिख रहा है हैदराबाद में फोर टू फाइव वैकेंसी है और पांच सौ वैकेंसी है जयपुर राजस्थान वाले के, <coughs> आ, वाले, है, है वाले के अंदर इसके बाद अगर हम बात करें पांच सौ वैकेंसी जयपुर वाले में है फिर छह सौ वैकेंसी है आपकी लखनऊ वाले के अंदर इसके बाद अगर हम बात करें जो न्यू डेली है न्यू डेल्ही में एक है मुंबई में काफी कम वैकेंसी है थर्टी महाराष्ट्र वाले के अंदर है वन टू टू ऐसे आपको हर रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिख जाएंगी तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आर ह्यूज फाइव टू एट जीरो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है आइए वो देखते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा आ, बेसिकली कितनी वैकेंसी निकली थी स्टेट बैंक का एक और बड़ा पेपर पांच हजार से ज्यादा वैकेंसी यहां पे आ चुकी है आइए फटाफट से क्वालिफिकेशन की बात करते हैं एलिजिबिलिटी है, है यहाँ पे ग्रेजुएशन राइट right? तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं दूसरा एज लिमिट कितनी है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 कौन सी डेट को देखा जा रहा है ये फर्स्ट अक्टूबर को थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को अगर आप मिनिमम इक्कीस के हो और मैक्सिमम तीस साल के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा है कि थर्टी फर्स्ट अक्टूबर दो हजार दो के बाद वाले बच्चे नहीं चलेंगे और फर्स्ट नवंबर 1993 से पहले वाले बच्चे नहीं चलेंगे 21 से 30 साल आपकी एज है एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन बट ये जॉब फ्रेशर के लिए नहीं है ये जॉब किसके लिए है आइए देखते हैं यहां पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एसेंशियली रिक्वायर्ड है so यहाँ पे आपको दो साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड एनी रीजनल रूरल बैंक अगर आप किसी भी आरआरबी में रीजनल रूरल बैंक में या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में काम कर रहे हैं दो साल का आपको एक्सपीरियंस है टू ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं तो ऑल द वर्किंग पीपल इन और RRBs वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं कि वो स्टेट बैंक के अंदर आके काम कर पाए राइट चलिए सो ये हो गया इसके बारे में लोकल लैंग्वेज तो डेफिनेटली आपको चाहिए ही होगा <coughs> और क्या है स्टूडेंट इसको भरने के कुछ अच्छे रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको सर्कल बेस ऑफिसर भरना चाहिए जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट किसी और आरआरबी में या किसी और बैंक में काम करते हैं और वो अगर जाना चाहते हैं देश के सबसे बड़े बैंक में लार्जेस्ट बैंक एस में जाना चाहते हैं तो इसमें क्यों जाना चाहिए राइट right? सबसे पहले यहां पे टेस्ट के पैटर्न के बारे में बात करते हैं ये एक बहुत बड़ा रीजन है इसको अप्लाई करने का यहां पे इस पेपर की खास बात यह है कि एक ही पेपर है एक ही पेपर है कोई प्री मेंस का झंझट नहीं है एक ही पेपर है और उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आएगा साथ में में मतलब प्री और मेंस नहीं है एक ही दिन पेपर पेपर हो जाएगा इस पेपर की सबसे बड़ी खास बात जो कई बच्चों को मुश्किल लगती है कि वो मैथ्स और रीजनिंग में स्पीड नहीं बना पाते कितनी भी मेहनत कर ले आधे पेपर वो इसलिए नहीं करेक्ट कर पाते क्योंकि उनकी मैथ और रीजनिंग में फाइनल पेपर में स्पीड नहीं बन पाती है तो दोस्तों इस पेपर में ना मैथ्स है ना रीजनिंग है इसमें क्या आएगा इसमें आएगा इंग्लिश और क्या आएगा बैंकिंग नॉलेज अरे आपने दो साल काम किया है बैंक में तो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाएगी जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी से रिलेटेड पूछे जाएंगे आप बैंक में काम कर रहे हैं तो करंट अफेयर से वाकिफ होंगे ही इकोनॉमी से जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा <coughs> तो देखिए 120 में से ये 70 नंबर का काम में बोलूं तो आपसे रिलेटेड है ये बैंकिंग से इकोनॉमी से जीएस से दूसरा कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी यहां पे आएगा बीस नंबर का राइट तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि इस पेपर में बेसिकली <coughs> मैथ्स नहीं है राइट चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं हम सो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहां पे है थर्टी मिनट का अच्छा यहां पे इंग्लिश के थर्टी है कंप्यूटर एप्टीट्यूड के ट्वेंटी क्वेश्चन है बैंकिंग नॉलेज फोर्टी क्वेश्चन है जीए के थर्टी क्वेश्चन है राइट सो मैथ्स यहां पे नहीं पूछा जाएगा ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं जहां पे कंप्यूटर नॉलेज लिखा जाता है वो कंप्यूटर होता है यहां कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है तो ये एक तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं जैसे कि इनिक्वेलिटी है डेटा सफ़िशिएंसी है रीजनिंग के जितने चैप्टर हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं तो रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे पूछा जाएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड बट मैथ्स तो बिल्कुल नहीं है ठीक है मैथ्स से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है आगे देखते हैं यहाँ पे एक और चीज देर इज नो नेगेटिव मार्क देर इज नो नेगेटिव मार्किंग वो भी झंझट नहीं है सारे क्वेश्चन आप पेपर में करके आ सकते हो कुछ क्वेश्चन उससे भी सही हो जाते हैं एंड देर विल बी नो सेक्शन वाइज कट ऑफ एक और अच्छी बात यहाँ पे ओवरऑल पेपर ओवरऑल आपको नंबर लाने हैं दैट सेट जो आपका ऑब्जेक्टिव uh, और डिस्क्रिप्टिव था उसको मिला के ओवरऑल कट ऑफ जाएगी ठीक है एंड इसके बाद आपका फाइनली स्क्रीनिंग और इंटरव्यू होता है तो वो दो राउंड आपके यहाँ पे भी होते हैं राइट right? और फाइनली आपकी जो मेरिट बनती है वो उस ऑनलाइन टेस्ट के साथ बनती है और इंटरव्यू के साथ बनती है जो ये ऑनलाइन टेस्ट है इसके साथ और जो इंटरव्यू है उसमें मेरिट बनती है और इंटरव्यू का वेटेज 25 मार्क्स है और ऑनलाइन टेस्ट का जो वेटेज है वो 75 मार्क्स है सेवेंटी और ट्वेंटी का रेशो यहाँ पे दिया गया है इसी के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है अब देखिए पैकेज यहाँ पे आपको सैलरी कितना मिलता है तो थर्टी सिक्स थाउजेंड तो जस्ट एक बेसिक सैलरी है जहां से आपका स्टार्ट होता है प्लस आपको इसमें दो साल का एडवांस इंक्रीमेंट मिलता है तो छत्तीस हजार के अंदर आपको दो साल का एडवांस इंक्रीमेंट मिलता है अभी मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था कि एस बी आई क्लर्क में ट्वेंटी थाउजेंड का आपका बेसिक पे होता है तो उसकी सैलरी लगभग फोर्टी थाउजेंड के आसपास पड़ती है सारा कुछ मिला के तो जो आपकी बेसिक पे होती है ना उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल सैलरी आपको लगभग मिल जाती है सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको जो सैलरी पड़ेगी सेवेंटी थाउजेंड के आसपास पड़ेगी सत्तर से पिछहत्तर हजार रुपए सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के ठीक है अब फीस की बात कर लेते हैं तो ओबीसी के लिए जनरल के लिए और ईडब्ल्यू के लिए 750 है एंड नो फीस फॉर पीडब्ल्यू डी तो कोई फीस नहीं है एस सी वालों के लिए राइट तो स्टूडेंट ये था आपका इस पेपर के बारे में जानकारी तो आई थोट ये मैं आपको दे दूं आप में से बहुत सारे बैंकर होंगे जो किसी ना किसी कॉमर्शियल बैंक में काम कर रहे हैं राइट right? या आरआरबी में काम कर रहे और आपको चाहिए कि मुझे अब बड़े बैंक में आना है स्टेट बैंक के अंदर आना है तो आप भर दीजिए इस फॉर्म को एक ही पेपर होना है उसमें मैथ्स भी नहीं आएगा डिस्क्रिप्टिव होना है नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है और क्या चाहिए राइट right? तो फिर इस पेपर को आप जल्दी से क्रैक कर लीजिए और वैकेंसी कितनी सारी है आप देख सकते हो ना राइट right? कितनी वैकेंसी है 5500 के आसपास मैंने आपको बताई थी और यहाँ पे एज है 20 टू 30 ग्रेजुएशन आपको चाहिए और 21 से 30 साल आपकी जो है वो यहाँ पे एज होनी चाहिए और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है फाइव थ्री फिफ्टी थ्री हंड्रेड के आसपास राइट आई होप ये क्लियर है सो स्टूडेंट वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर दिस इसके लिए हमारे पास बेस्ट कोर्स जो है वो अवेलेबल है आइए मैं आपको दिखाता हूं हमारा कोर्स ये रहा तो स्टेट बैंक सर्कल बेस्ड ऑफिसर का जो हमारा कोर्स है आप उसे देख सकते हैं स्टेट बैंक का सर्कल बेस्ड ऑफिसर का कोर्स है आप इसे देख सकते हैं इसके अंदर आपको नोट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन गाइडेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑनलाइन क्लासेस डेली और भी बहुत कुछ यहां पे आपको देखने को मिलेगा सो आई होप आप इसे ज्वाइन कर लेंगे और फटाफट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स मिस नहीं करना है आपको इसको बिल्कुल भी जो भी बैंक में काम कर रहे हैं और उन्हें 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है एज अ ऑफिसर लेवल बैंक में काम करते हुए आरआरबी में काम करते हुए किसी भी बैंक में काम करते हुए तो आप एस में सर्कल बेस ऑफिसर बन सकते हैं तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसे ज्वाइन करिए आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू एवरी